हेलो मित्रों, राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच 11 मई को सीजन का 58वां मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 8 विकेट से जीत हासिल की। दिल्ली इस सीजन 12 में से 6 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें पायदान पर मौजूद है। वहीं राजस्थान रॉयल 12 में से 5 मैच का वक्त तीसरे पायदान पर है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 6 विकेट खोकर 160 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से सर्वाधिक रन आर अश्विन ने 38 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 50 रन की शानदार पारी खेली, जबकि पड्डीकर ने 30 बॉल में 48 रन की पारी खेली, तब जाकर राजस्थान 160 रन बना पाई। दिल्ली की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन साकरिया, एरिक नोकिया और मिचेल मार्च को 2-2 विकेट लिए। इन तीनों गेंदबाज को 2-2 विकेट मिले। 160 रन के जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में जीत हासिल कर ली, लेकिन दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी के दूसरे ही गेंद पर टीम को सीकर भरत के रूप में झटका लगा। इसके बाद मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपिटल को जीत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 144 रन की साझेदारी हुई। मिचेल मार्श 62 गेंद में 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 89 रन बनाए। इसके बाद डेविड वार्नर ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर दिल्ली को जीत दिलाई। ऋषभ पंत ने महज 4 गेंदों में 13 रन बनाए, जबकि वार्नर ने 41 बॉल में 6 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली। राजस्थान के गेंदबाज मात्र 2 विकेट ही ले पाए। राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली ने पहले अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद उन्होंने अच्छी बैटिंग की। वहीं राजस्थान की आज ना बैटिंग अच्छी हुई और ना ही उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, और उन्होंने सबसे ज़्यादा आज कैच छोड़े। उनकी फील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही। इसी के साथ दिल्ली प्लेऑफ में पहुँच सकती है और राजस्थान को भी प्लेऑफ में पहुँचने का बराबर मौका है, लेकिन प्लेऑफ में कौन पहुंचेगा ये तो आगे समय तय करेगा। अभी 5 टीमें प्लेऑफ की होड़ में हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट, ये 5 टीमें हैं जो प्लेऑफ की दौड़ में। और आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि स्पोर्ट्स हिंदी समाचार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।